1 day 6 hours, and Bangalore to Orissa. Hey guys, welcome back to the channel. This is Yaseem. आज है 24 दिसंबर 2020. टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है और हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से सुंदरगढ़, विच इज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा. सो अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट रोड के पास. यू नो इट इज गोना टेक ऑलमोस्ट 1 day 6 hours टू रीच सुंदरगढ़ ओडिशा. तो डिनर विनर हो गया है हम लोगों का. सामान गाड़ी में देख सकते हो पूरा भरा पड़ा है और हम लोग जा रहे हैं अभी ओडिशा. यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं. मिलिस नहीं, मिलिस हाफ किलोमीटर संगीता ढाबा आग दिया है. पक्का मिल जाएगा ना? ये डॉक्टर जी गुलबार हो चाहिए कहीं दूर. Hey guys, time is 6 AM और हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं. We have done almost 400 kilometers. और थोड़ा नींद आ रहा था मुझे गाड़ी चलाते चलाते, तो क्योंकि पूरी रात गाड़ी चला रहे थे. देख सकते हैं आप यहाँ पे खटिया पड़ा हुआ है, तो शायद यहाँ पे सो जाएंगे थोड़ा टाइम के लिए. सही जगह है ना? इन्हें खाली ठंडा लगी है टिकन हिले. हैदराबाद इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर और हम लोग हैदराबाद जल्दी पहुँच जाएंगे, शायद 2-3 घंटे में, 6-7-8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे. उसके बाद वारंगल के लिए निकलेंगे. गाड़ी में पूरा सामान भरा पड़ा है. सामान पूरा फुल है. पिलो विलो लेके आए थे हम लोग. Taking one more break. Time हुआ है 6:54. तो यहाँ पे कुछ तो अजीब सा ट्रैक्टर जैसे दिख रहा है. ट्रैक्टर है ऊपर, नीचे कुछ मशीन है ये खेत में काम करने के लिए. तो हम लोग रुके हैं थोड़ा देखने के लिए इसको. ओ ट्रैक्टर फिट करी ना? अरे नुए दहनता ट्रैक्टर ला ऊपर केंता ऊपर केंता आगे से ते है क्या ताची जी को हो क्या कर रहे हो? देख देखो काले क्या ताहे जी ऊपरे. हमें जाना है यहाँ पे बॉर्डर के पास है वेस्टर्न ओडिशा में और देयर आर 3 routes. एक हो गया ये नागपुर वाला, दिस इज हैदराबाद. फ्रॉम हैदराबाद नागपुर, देन नागपुर से रायपुर होके संबलपुर होके झारसूड़ा सुंदरगढ़. दूसरा रूट ये है जो हम इस रूट में जाएंगे अभी. हैदराबाद से राइट लेके वारंगल, ये तेलंगाना में आएगा. वारंगल से जगदलपुर, जगदलपुर से बलांगीर होके ये भवानीपाटना, बलांगीर होके संबलपुर होके उड़ीसा. तो ये डिफरेंट रूट है, हम ये ट्राई कर रहे हैं अभी. देखते हैं कि कैसा है इसमें रोड कंडीशंस. इसमें तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं एक बार नागपुर वाले रूट में. आई नेवर ट्राइड इन दिस रूट. करीमनगर पता नहीं वो कैसा है, तो इसमें ट्राई करते हैं अभी. और ये दिखा रहा है 1 day ऑलमोस्ट 24 hours. तो टाइम हुआ अभी 7:06. आज 25th of December और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, ब्रेक ले रहे हैं बिकॉज हमें आ गया था नींद. पूरी रात गाड़ी चला रहे थे तो दोनों को नींद आ गया था. फिर वी थॉट टू टेक ए स्मॉल ब्रेक. शायद आधा घंटा या 1 घंटा सो जाएंगे अभी.
बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, पूरी रात गाड़ी चलाए हैं, तो देखते हैं थोड़ा एक छोटा सा नैप लेंगे देन फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम लोग अभी हैदराबाद बाईपास में हैं और ऑन द वे टू वारंगल, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ब्रश ब्रश किए। ये बहुत सही जगह है, यहाँ पे ब्रश किए, अभी थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे वारंगल के लिए। सी द प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ा सा जूस खाने से पहले थोड़ा सा जूस पिया जाएगा। बड़ पता नहीं रहिदा इलाका स्वर्गीय चिका है ना। अब थोड़ा सा इसमें जूस पिया जाएगा। कितना बना के बना था सेटिंग ते जानतो जी एंटा कर तो आना आवे सर खाना झाड़ो ना ये जो पत्ता भैया लेके आए हैं इसमें अभी जूस पिया जाएगा, क्योंकि शायद हम लोग ग्लास लेके आए नहीं हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास पूरी सब्जी है जो कि हम घर से लेके आए थे, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं वारंगल के लिए। वैसे मैंने कुकिंग का पूरा किट ले लिया था, जैसे कि पोर्टेबल गैस स्टोव एंड कुछ रेडी टू ईट फूड, जो कि ज़रूरत पड़े तो रास्ते में हम खुद खाना बना के खा सकें। जितना मुझे पता है इस रूट में ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, बिकॉज ये ज़्यादातर जंगल वाला रूट है एंड नक्सल मूवमेंट भी होता रहता है। तो अभी यहाँ पे नेचर का मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं वारंगल के लिए। Cheers. ओम नमः शिवाय। देख के We are on the Hyderabad bypass and trust me, this is one of the best road I have driven so far. This is 8-lane road, but unfortunately I was not aware about the speed limit, which is 100, but I drove down in 140, for which I got a ticket later. Done around 700 किलोमीटर। अभी यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, टाइम हुआ है 12:17 PM और अभी ज्योतिष भैया कुछ ले रहे हैं खाने के लिए। इला होंडा सिटी की नुआ गाड़ी है का बढ़िया जो था। हम ढूंढ रहे हैं जगह नहाने के लिए। आ है इलाका है नहाने के लिए, जगह चाहिए।
इट वॉज अ डर्टी लेक, तो अभी हम लोग एक अच्छा जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग शावर ले सके एंड उसके बाद वहाँ पे लंच करके फिर आगे जा सके, बिकॉज जब तक शावर नहीं लगे हमें वो फ्रेशनेस फील नहीं होगा। मोर 900 किलोमीटर्स टू गो, 800 किलोमीटर्स टू गो। अभी यहाँ पे रुके हैं हम लोग खाना खाने के लिए, पहना सोता है खाना खाने के लिए, नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। देखो सही है, चलो हाँ बढ़िया, चलो अंशी है ली हो हमारे साल थी क्या दो बच्चे As you can see, we got a great place जहाँ पे अभी हम लोग शावर लेंगे, लंच करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे आगे। जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ढाबा बहुत सही है और ये ढाबा का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हम लोग शावर ले लिए, पूरा फ्रेश हो गया अभी। You can see the place. लॉक कर दो। लकी फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट, कैन सी द प्राइस, फिर भी बहुत बहुत दिशा है। फूड फुल्का, ये है दाल फ्राई, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैड फूड, इज अ वेरी नाइस प्लेस, होप यू कैन सी। And the food is mind fucking blowing. जरूरी है चार ले कॉफी, कॉफी रीजन लाई, कॉफी ले बोल लाई। जंगल है, बहुत ही कम जाना आना है। हाँ, इधर गाड़ी बहुत कम आता है। तो अभी तो कितना टाइम हुआ, अभी 6 बजे, 6:30 हुआ है अभी, और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर रोड ऐसा ही है जंगल, और हम लोग रिस्क लेके जा रहे हैं। रास्ते में मैंने सुना है कि यहाँ पे यू नो लोग रोकते हैं, नक्सलाइट वाले रोकते हैं यहाँ पे कि कुछ भी लफड़ा हो सकता है, तो हम लोग रिस्क लेके जा रहे हैं। सीमा प्रारम थाना तमिलनाडु की का बीजापुर छत्तीसगढ़। क्या जानिए नहीं है ना रोड, रोड अच्छा छत्तीसगढ़ रोड बहुत ही खराब, माने छत्तीसगढ़ ला ये जगह है पूरा, ये तो बना है बंदा, ये करो ठीक है।
हार्ड पोर्शन स्टार्ट एकदम स्टार्ट ही सब वो तो कहाँ ना पंजाब आ रहे थे सो फाइनली वी एंटर छत्तीसगढ़. अब मुझे पता कैसे चला कि हम छत्तीसगढ़ बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रोड. आप किसी भी साइड से छत्तीसगढ़ बॉर्डर में एंटर करो आपको घटिया रोड ही मिलेगा. वैसे हम लोग अभी डीप फॉरेस्ट में हैं, यहाँ पे ना कोई सिटी है, ना कोई गांव है, ना आपको कोई होटल मिलेगा रहने के लिए, ना कुछ खाने के लिए मिलेगा. रास्ते में एक पुलिस चौकी मिला था जहाँ पे पुलिस वालों ने हमें मना किया आगे जाने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं. हम लोग एक तो पुलिस चौकी में सोते जो कि प्रैक्टिकल था नहीं, वहाँ पे यू नो ठंड बहुत ज़्यादा था, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन था कि हम लोग ड्राइव करके चले जाते. तो हमने सोचा कि ड्राइव ही किया जाए, देखते हैं, रिस्क लेते हैं क्या होता है आगे. तो लगभग 40 किलोमीटर तक हमें कुछ मिला नहीं, पूरा जंगल था, रोड पूरा ख़राब ही था. हम लोग 20 के ऊपर स्पीड में जा भी नहीं पाए क्योंकि रोड इतना ख़राब था कि आप गाड़ी स्पीड में चला भी नहीं सकते हो. बीच में एक दो घर मिला था लेकिन पता नहीं वहाँ पे कोई रहता है कि नहीं. एक्चुअली हमें पता नहीं था कि नक्सलाइट एरिया है और ये इतना रिस्की होने वाला है यहाँ पे ड्राइव करना. गाड़ी है घर घर भी है इन्हें ये लोग रहते हैं का निरा निरा लाइट फाइट तो नहीं ना. अच्छा तो ये देखो हम लोग अभी हैं डीप फॉरेस्ट में और एक घाट रोड है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर ऐसे ही है. कोई भी गाड़ी नहीं, पूरा सुनसान है यहाँ पे.